डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे फर्स्ट अंतर्वेशन के लिए न्यूटन, ग्रेगोरी सूत्र। इस सूत्र के अनुसार एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच। नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच एन माइनस वन एच। तो एन एच और ये भी एच ले लें। नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस एच एंड सोन एक्स माइनस ए प्लस एच। नेबला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। इस फॉर्मूले को आपको ड्राइव करना है। जैसा आपको अगर अंतर्वेशन सूत्र में आपको बताया था कि एफ एक्स को एक्स में एन घात का बहुपद लेना है और इसकी जगह कांस्टेंट अपन ले लेंगे ए वन। क्या ले लेंगे? ए वन को ए जीरो ले लें। इसकी जगह अपन कांस्टेंट ए वन ले लेंगे, इसकी जगह कांस्टेंट ए टू ले लेंगे और इसकी जगह कांस्टेंट ए एन लेकर अपन एफ एक्स एक्स में एन घात का वो बदल लेंगे। साथ में ये मान लेंगे कि एक्स बराबर ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच के संगत एफ एक्स के मान एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस एन एच है। ए जीरो ए वन ए टू आपके पास कांस्टेंट है। एक्स बराबर ए प्लस एन एच ए प्लस एन माइनस वन एच एंड सोन ये रखकर अपन अननोन है उनके मान अपन निकालेंगे। इस तरह से अपन न्यूटन ग्रेगोरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र का डेरिवेशन अपन करेंगे। तो प्रमाण लिख लें कि माना वाई इक्वल टू एफ एक्स फलन के एक्स बराबर ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच एंड सोन ए प्लस एन एच के संगत मान क्रमश एफ ए एफ ए प्लस एच एंड सोन एफ ए प्लस एन एच है। माना एफ एक्स एक्स में एन कोटि का बहुपद इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच। इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, कांस्टेंट को इधर लिख देते हैं ए वन प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस वन माइनस वन कांस्टेंट ए टू ले लें प्लस एंड सोन प्लस ए एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच
and so on, x minus a plus h. इस तरह से अपन एफ एक्स फंक्शन अपन ले लेंगे जहाँ a0, a1, a2 and so on an के हैं अचर है, ये आपके पास कांस्टेंट है। इसको जैसे नंबर एक लगाया तो एक में x बराबर a प्लस एन एच रखिए ताकि बाकी सारे टर्म्स आपके जीरो हो जाएं और आपको a0 का मान प्राप्त हो जाए। रखने पर एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू ए जीरो, उससे आपको ए जीरो का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ए जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच, नंबर दो लगा दें पुनः एक में। अब इससे पहले वाला मान ए प्लस एन माइनस वन एच रखने पर ये आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच इक्वल टू ए जीरो प्लस इस वाले टर्म्स में ए एक्स की जगह ए प्लस एन माइनस वन एच रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक्स की जगह ये रखने पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा और माइनस एच बच जाएगा, तो माइनस एच ए वन आ जाएगा। तो इससे आपके पास ए वन का मान आ गया ए वन इक्वल टू ए जीरो माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई एच। ए जीरो का मान एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच अपॉन एच आ गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई नेवला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच अपॉन एच, क्योंकि अपन जानते हैं बेक और डिफरेंस ऑपरेटर के अनुसार नेवला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच होता है। इस फॉर्मूले का यूज किया तो ये नेवला एफ ए प्लस एन एच आ गया, ये आपका ए वन का मान आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि नंबर एक में एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू एच रखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए टू का मान आपको प्राप्त होगा, वो आएगा नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। अब रख के अपन करके देख लेते हैं। इसी प्रकार नंबर जो एक है या पुनः कह दें एक में एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू एच रखने पर आपके पास आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस टू एच इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन। ए वन अपन एक्स की जगह ए प्लस एन माइनस टू एच रखेंगे तो पहले टर्म से माइनस का टू एच, उससे आगे वाले में आपके पास है माइनस का एच प्लस ए टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का कितना ए टू। ए वन वाले में आपके पास है माइनस का टू एच सॉरी, और ए वन वाले में आपके पास माइनस का टू एच और माइनस का एच माइनस का एच। तो ये इम्प्लाइज करेगा ए टू का कोफिशिएंट प्लस का हो गया फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए जीरो। ए जीरो मीन्स एफ ए प्लस एन माइनस टू एच, ये माइनस ये इसको इस पक्ष में ले गया तो प्लस टू एच ए वन। ए वन का जो मान आपका है ए वन माइनस टू एच
ये कितना आ गया माइनस एच ए वन, ये एफ ए प्लस एन माइनस वन एच माइनस ए जीरो। ये मान आपका मान अपन रखें तो इसका मान ही रख देते हैं अपन ए वन माइनस टू एच, ए वन माइनस टू एच, ए वन माइनस टू एच कितना हो जाएगा एफ ए माइनस ए जीरो, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच एफ ए प्लस एन माइनस वन एच माइनस एफ ए प्लस एन एच। ये आ गया, तो ये आपके पास है, इसको अपन क्या कर रहे हैं दूसरे पक्ष में लेके जा रहे हैं। तो ये आपका ये था ए जीरो का मान कितना था, इसका मान भी तो रखना पड़ेगा, ए जीरो का मान, ये तो आपका इसका मान आ गया। तो अपन ए जीरो का मान अपन इस पक्ष में लेके आए, ये माइनस में आ गया और ए जीरो भी माइनस में है, तो माइनस एफ ए प्लस एन एच हो गया, एफ ए प्लस एन एच। तो ये आपका आ गया एफ ए प्लस एन माइनस टू एच, और एक ये है और दो ये है, तो माइनस का 2fa प्लस एन एच और ये तो प्लस में, देखिए आपका ये जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, ए वन ये माइनस का एच ए वन, माइनस का एच ए वन का मान है ये माइनस ए जीरो, यहाँ पर माइनस का एच टू टाइम्स है, टू से भी मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, ये टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आया आपका माइनस का टू एफ ए एन माइनस वन एच, फिर माइनस माइनस प्लस ये टू और ये एक, तो प्लस का एफ ए प्लस एन एच कितना आ गया, ये हो गया ई की पावर माइनस दो एफ ए प्लस एन एच, माइनस टू ई की पावर माइनस वन एफ ए प्लस एन एच और प्लस एफ ए प्लस एन एच, तो एन एच, तो ये आ गया ई की पावर माइनस दो माइनस टू ई माइनस वन प्लस वन एफ ए प्लस एन एच, तो ये आ गया। और अपन जानते हैं कि नेबला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, तो यह आ जाता है एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, तो ये रिजल्ट आ जाता है नेबला इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। तो इस रिजल्ट को अपन लिख दें वन माइनस ई इनवर्स का स्क्वायर लिख दीजिए एफ ए प्लस एन एच। तो ये आपके पास है मान आपका किसका आ जाएगा, ये मान किसका आ रहा है फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ए टू का मान, तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ए टू इक्वल टू नेबला स्क्वायर, नेबला डेल स्क्वायर नहीं नेबला स्क्वायर
एफ ए प्लस एन एच, तो इससे आपके पास है ए टू का मान आ गया। नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। ए एन का मान इसी तरह नेबला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। ये आपका ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन के मान एक में रखने पर आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस, पहले लिखते थे एक्स माइनस ए प्लस एन एच नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच एन माइनस वन एच। एंड सो एक्स माइनस ए प्लस एच नेबला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। ये आपका न्यूटन का न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र था। इस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र में यदि अपन एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच इसको आप u ले लें, u मान लें इसको, तो आपके पास a प्लस एन एच प्लस यू एच ये आपका x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा ये वाला। तो u के टर्म्स में फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र को लिखें तो आ जाएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। देखिए आप क्या मान रहे हैं, u मान रहे हैं x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच को। तो पहले टर्म्स में ये h है, ये u हो गया, यहाँ पर h स्क्वायर है, इसमें से एक h इसको डिवाइड कर देंगे, ये u, एक h इसको डिवाइड करेंगे तो u प्लस वन, इसमें h की पावर n है, n फैक्टर्स हैं, प्रत्येक को h से अपन डिवाइड करते जाएंगे तो ये लास्ट वाला u प्लस ये u आ गया, दूसरा u प्लस वन, इस तरह से u प्लस n आ जाएगा। तो ये लास्ट टर्म्स है प्लस एंड सोन प्लस u u प्लस वन एंड सोन u प्लस n माइनस वन आएगा अपॉन फैक्टोरियल n नेबला n f a प्लस n h। ये आपका u के टर्म्स में न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र आ गया। थैंक्स स्टूडेंट्स।